मैनेजर साहब के पास हम गए हैं, वो जी कह रहे हैं हमने आपको कॉल की थी, हमने कहा हमें कोई कॉल नहीं है, कहते हैं जी आपका आईडी कार्ड रोक दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। आद्रा ऑफिस सफारे से ख्वार होके जा रहे हैं, ठीक है। हम सुबह के यहाँ के आए हुए थे, आप लोगों को पता है मैंने पहले वीडियो चढ़ाई थी अपने आईडी कार्ड की, जो मेरा आईडी कार्ड गुम हुआ था, ठीक है। वो इमरजेंसी बनवाया था, इमरजेंसी पेमेंट की महीने का अगर आप दोगे 75, अगर आप इमरजेंसी बनवाओगे 150, हमने 150 पे किया। उसके बाद सारा प्रोसीजर हो गया, मैं करा के चली गई। बाद आज जब हम उठाने आए हैं तो हमसे कह रहे हैं कि जी आपका जो इमरजेंसी कार्ड था वो रोक दिया गया है, पहले आप अपने वालिद साहब का कैंसिल करवाएंगी फिर बनेगा आपका और पूरी फैमिली का, आपकी अम्मी का, आपके बाकी बहन भाइयों का। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर जी अगर ये बात उस दिन जो सर ने हमसे छेड़ी थी और वो हमें कह देते हैं कि जब तक आप लोग ये कैंसिल नहीं करवाएंगे, ये नया रूल है, आप लोगों का कार्ड नहीं आएगा, हमसे इमरजेंसी की फुल पेमेंट लेके हमारा पूरा प्रोसीजर करके हमें घर भेज के आज हम लेने आए हैं, तो हमसे कहा जा रहा है कि नहीं जी पहले वो कैंसिल करवाए। अम्मी को बुलवाया हमने, अम्मी आई भाई के साथ, अबू का आईडी कार्ड जो था वो कैंसिल करवाया। तो अब इन्होंने हमसे कहा है कि आप लोग महीने बाद आके ना अपना कार्ड लीजिएगा। तो हमने कहा हमने तो इमरजेंसी पेमेंट की थी, आप इसको कैंसिल करके हमारा कार्ड तो मंगवा दें। कह रहे नहीं ये पहले प्रोसीजर चलेगा। अम्मी का भी वो पूरा प्रोसीजर, अम्मी ने वो टोकन लिया, अंदर गई पूरा 2 घंटे, अम्मी भी बेचारी थकी। अब वो कैंसिल होगा तो मेरा आईडी कार्ड आएगा 1 महीने बाद। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। अगर वालिद आपके हयात नहीं है, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबके वालदैन सरों पे सलामत रहें, जिनके नहीं है तो पहले कैंसिल करवाएं फिर ये जाएं आईडी कार्ड अपने रिन्यू करवाने, क्योंकि फिर बहुत मसले हैं, काम लंबे हो रहे हैं और हमारी तरह अपना फंस जाए, इमरजेंसी भी बनवाएं और हाथ में कुछ ना आए। पेमेंट भी गई, इमरजेंसी बनवाने की जो सूरत थी वो भी अब डिले हो गई, ड्यूटी पे भी जाना है, एक दो मेरे और काम भी हैं, बात करते हैं अब्दुल्ला को भी स्कूल से ले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं फाइनली स्कूल से आ गया हूँ, दुबई सेंटर पहुँच चुके हैं हम। ये मुझे आला दिन का चिराग लगती है जहाँ हर चीज़ अवेलेबल होती है आपको, कुछ चीज़ों पे यहाँ 50% सेल की ऑफर भी है। यस सोने वो लिक्विड उठा लिए, 5 लीटर की 3 है तो मैं 2 पैकेट उठा लिए। ओके, कहवा सेट सज्जो तेरे लिए मैं ले लूँगी, कहवा सेट, ठीक है। मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ कहवा सेट सज्जो के लिए। अब देखो मुझे यहाँ से कौन सा पसंद आता है, तेरे लिए आगे कहवा सेट। मैं दुबई सेंटर आई हूँ, मैंने कहा मैं जितनी जल्दी हो सके सज्जो का सेट लेके रख दूँ, क्योंकि मुझसे पाकिस्तान से डिमांड की गई है कि कहवा सेट एक भेज दो। और ये जो डिमांड है आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड है, हम लोग यहाँ सौदे में मिले थे, अब ये पाकिस्तान जा चुकी है, तो सज्जो इंशाल्लाह तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। मैं कंफ्यूज हूँ अब इनमें से उठाऊँ कौन सा, क्योंकि मुझे सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये लगा हुआ है जी सेल में सेट 34 से 19 का, मैं तो ले रही हूँ एक अपना और एक अम्मी के लिए, ये 2 सेट उठा लें। क्वालिटी में अच्छा कौन सा होगा? मुझे ये अच्छा लग रहा है, बाकी ये अच्छा लग रहा है। 49 का ये भाई, ये भी चाहिए, बहुत फैंसी है, ये देखिए 209 रियाल का। ये पिंक 112 रियाल का। कौन सी चीज़ है जो इस शॉप पे अवेलेबल नहीं होगी? मैं कहती हूँ दुनिया जहाँ की हर चीज़ इस दुबई सेंटर पे अवेलेबल है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, बहुत खूबसूरत सामान यहाँ। ये देखें पाकिस्तानी इंडियन बर्तन, ये देखें
चाहें तो आप देगे चढ़ा लें। हर तरह का बर्तन अवेलेबल, चाहे आप लें स्टील में, सिल्वर में या नॉनस्टिक में। एक रियाल से लेकर 1000 तक आपको चीज़ अवेलेबल होगी, क्योंकि चीज़ की क्वालिटी खुद चीख चीख के बताती है। फर्स्ट फ्लोर भी है जहाँ का मैं विजिट नहीं कर सकी। ये खचा खच भरा हुआ है ऊपर डेकोरेशन से, घर की टेबल्स हो, वॉल डेकोरेशन हो, फ्लावर्स हो, पेंटिंग्स हो, ऊपर हर चीज़, मैं घर के बिस्तरे भी, यानी बेडशीट्स, रज़ाइयाँ, कंबल, हर चीज़ ऊपर अवेलेबल है। कपड़े भी हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इस टाइम हो रहे थे 2:45 और शॉप बंद होने का टाइम था, इसलिए मैं आप इतना ही कैप्चर करके दिखा सकी। आएँ और इस शॉप का विज़िट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हमारी शॉपिंग होगी डन। बाय।